हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सबका अपने परिवार सीयूईटी इंडिया में। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीयूईटी पीजी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो सीयूईटी पीजी का रिजल्ट कल ही आने वाला था हालांकि, लेकिन कल नहीं आया। देर रात तक बच्चे इंतजार करते रहे, नहीं आया। और जब सुबह का 7 बजा उसके बाद, उस समय की बात है लगभग, तब रिजल्ट जो हुआ है वो एनटीए ने डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो अब रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन रिजल्ट को चेक कैसे करना है इसकी बात करेंगे। देखिए, रिजल्ट चेक कैसे होगा इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में, अपने फोन में या अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब क्रोम ब्राउजर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, आप सभी जानते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करना है आपको pg.cuet.samarth.ac.in। इस चीजों को आपको सर्च कर लेना है। और इसको जैसे ही आप सर्च कर लेंगे, सर्च करने के बाद क्या होगा कि एक ऐसा जो है पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। इस पेज में आप देखेंगे सीयूईटी पीजी 2024 लिखा होगा, फिर नीचे होगा लॉगिन, फिर पार्टिसिपेशन, सिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, मतलब कितने यूनिवर्सिटी ने भाग लिया, ऐसे करके ढेर सारे आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लिंक। लेकिन आपको कहीं और नहीं भटकना है, आप सीधे क्या करिएगा, सीधे यहाँ पे लॉगिन करिएगा। लॉगिन का बटन आप जैसे ही टच करेंगे, इस बटन को टच करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। वो पेज क्या रहेगा, देखिए ऐसा, इस वीडियो के माध्यम से देखिए कैसा पेज आएगा, ऐसे बिल्कुल ही सामने आएगा। और फिर आप इसको स्क्रॉल करते हुए आसान आराम से नीचे जाइएगा। पहले देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है रिलीज आप एडमिट कार्ड कॉमन, तो ये सारी चीजें हैं। इसको एकदम डिस्प्ले करते हुए आप नीचे जाइएगा, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, कैंडिडेट एक्टिविटीज। कैंडिडेट एक्टिविटीज में आप देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और इधर नीचे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने भाग लिया है ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे जो भी चीजें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एनटीए से कॉन्टेक्ट कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह, लेकिन आपको इधर उधर कहीं नहीं जाने की जरूरत है। आप सीधे क्या करेंगे, आपको सीधे यहाँ से लॉग इन करना है। यहाँ से जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आप एकदम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहां से आपको मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, आपको मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन और नंबर और पासवर्ड आप यहां से फिल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड नहीं याद है, तो अगर उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर याद है तो वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, एक है क्लिक ये तो डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, और एक है कि लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद है तो भी आप कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड भूल गए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। यही नीचे आपको फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से आप फॉरगेट कर सकते हैं आपके मेल के द्वारा या तो आपके मोबाइल नंबर के द्वारा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं यहां तक। इसके बाद आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल लीजिएगा, पासवर्ड वगैरह भर लीजिएगा, फिर ये कैप्चा कोड अच्छे से देख के समझ के भरिएगा। इसको भरने के बाद आप क्या करिएगा कि फिर देखिए एक ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आएगा जहां पे कि आपको डाउनलोड सीयूईटी स्कोर पीजी कार्ड ये सब देखने को मिलेगा। देखिए आप लिखा है डाउनलोड या प्रिंट स्कोर कार्ड सीयूईटी पीजी का 2024 का, यहाँ से आप जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ देखिए, कटआप से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, जो भी अपडेट है, अगर उसको आपको जानना है तो जानने के लिए पहले आप सीयूईटी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जितने भी कटआप से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे सारे वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। शेयर क्यों करना है, क्योंकि सबको पता चल सके कि सीयूईटी पीजी का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और कैसे चेक करना है। तो कैसे चेक करना है आप सबको पता है, मैंने बता दिया। एक बार नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छे से लाइक करिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सारी आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे कि जहां से आप सीधा लिंक रहेगा वहां पर टच करिएगा और सीधे लॉग इन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कटआप से रिलेटेड जो भी वीडियो है कटआप की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अलग वाइज सब्जेक्ट के जितने कटआप है, ज्योग्राफी के सर आएंगे ज्योग्राफी का कटआप बताएंगे, हिंदी के सर आएंगे हिंदी का कटआप बताएंगे, पॉलिटिकल साइंस के सर आएंगे पॉलिटिकल साइंस के कटआप बताएंगे। तो सभी सब्जेक्ट जो जितने जितने अलग अलग सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आके आपके कटऑफ बताएंगे कि उनके सब्जेक्ट का क्या कटऑफ जा रहा है एक्सपेक्टेड कटऑफ से रिलेटेड। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सबका एडमिशन आराम से हो जाएगा। और आपको कोई भी समस्या अगर काउंसलिंग से रिलेटेड होगी तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में लेके जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कितने फोटोज लगेंगे, क्या क्या जो भी डॉक्यूमेंट है सारी डिटेल्स आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो पहले क्या करना है कि सीयूईटी